बढ़िया से वगैरह बिक रहा है यहाँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और मैं हूँ आपका प्यारा भाई चुनीलाल यादव। और दोस्तों आज मैं चलता हूँ मंगला हाट, जो हमारे गांव के पंचायत के बगल में एक नदी है जिसको बोलते हैं धारहर नदी, वो है गया जिला में। हमें नवाजे हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं, तो चलते हैं मंगला हाट घूमने के लिए। बहुत दिनों के बाद मन किया कि चलो भाई मंगला हाट। उसमें बहुत तरह की चीज़ें बिकती है, पहनने खाने पीने ओढ़ने घरेलू सामान बहुत तरह के, मतलब कि ए टू जेड बिकता है यार, समझ गया ना। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ का क्या माहौल और किस तरह का माहौल है और क्या क्या बिक रहा है आज, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू रहिए ब्लॉग। दोस्तों अब हम थक चुके हैं चलते चलते, बहुत दूर से आ रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने घर से आ रहा हूँ हसनपुर गाँव। ये देखिए जो पहाड़ दिख रहा है ना उधर, वहाँ से चलते आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा हवा, काफ़ी अच्छा छाँ है पेड़ का, मैं सोचा चलो यहाँ पे आराम कर लेते हैं। तगड़ी धूप है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इधर तालाब है, ठीक है, तालाब का इधर से शीतल हवा मिलता है और ये छाँव का बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे 5-10 मिनट हम आराम करते उसका हम चलते हैं, ठीक है। और दोस्तों हम अभी नदी को क्रॉस कर रहे हैं और बॉर्डर पे ये है फिलहाल, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नदी है मेरा, ठीक है, तो ये मेरा रोड है। ये देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं मंगला हाट, तो हम भी आ चुके हैं, बस 2 मिनट का देर है, ठीक है। तो चलिए मंगला हाट दिखाते हैं, आ ही गए हैं। और दोस्तों हम मंगला हाट आ चुके हैं, ये देखिए 3 लोगों वगैरह। दोस्तों जब आप तुंगी की तरफ से चलेंगे तो नदी पार हो जाएगा, तो फायरा लुक आपको यही दिखेगा, छाते वाला, फिर खिलौने वाला, खिलौने वाले के पास, फिर आपको यहाँ पे सामने दिखा देगा झोपड़ी, फिर ये सब्जी वाले पेड़ पौधे लगाते हैं जो बैंगन सब्जी हरा सब्जी जो होता है ना, बैंगन का मिर्ची का ये सब लगा के रख बैठा देगा और बहुत सस्ता रेट में यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद आगे दिखा देगा तवा का, बदरी का, उसका ये आलू बोले प्याज का बोले मिलेगा, टमाटर वगैरह यहाँ पर बेचते रहते हैं, जैसी होता है गुलगप्पे वाला, गुलगप्पे खाओगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छा बनाता बेचारा। और यहाँ पे भी मूल्य में बेचते रहता है, कोई दिक्कत नहीं, और ये बूढ़ा उस जैसे ही बैठा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी भीड़ था इसके पास, ये तो कम है, और ये खाद वाद छिटने के लिए कप वगैरह, और ये नमकीन वगैरह खाने पीने वाला होता है, ठीक है। और ये पीने वाला होता है वहाँ पे खड़ा, थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो, और ये वहाँ पे एक होटल है छोटा सा, और यहाँ पे एक पेट्रोल वाला है, और ये बाइक ये कार पे बेचता है, और टी शर्ट वगैरह लेडीज लड़कियों का, लड़कों का 150-170 रुपये में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे छोटे मोटे सामान बिकते हैं 10-20 रुपये का सेल होता है, ठीक है, घरेलू सामान होता है, ये तो चप्पल जूते मिस्त्री 40-50 रुपये का, ये भी घरेलू सामान है, चाकू वगैरह छोटे छोटे सामान यहाँ पे होता है। बच्चे खेलते हैं, ये बच्चे खेलते हैं, चप्पल जूते हैं, टॉर्च का चीज है बहुत सारा, 40 रुपये स्टार्टिंग में, 200-250 रुपये तक। ये सेकेंड हैंड कपड़े होते हैं जो कि आप आराम से खरीद सकते हैं, यहाँ पे जूस वाला जो है जिसके सेकेंड 10 रुपये पानी वाली होता है, और यहाँ पे हरी सब्जी वगैरह ये सब देखते रहते हैं किनारे में। और चप्पल जूते यार तो एक चीज़ की बात है, चप्पल जूते का बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रेज है, बहुत ज़्यादा चप्पल जूते, ये देखिए गले में पहनने के लिए बहुत सारा माला मोती बेच रहे हैं, ठीक है। और ये स्कूल की तरफ आए हैं, स्कूल के सामने का ये सीन दिखाई दे रहा है, स्कूल के लिए बॉन्ड भी आपको दिख रहा हुआ, यहाँ पे बेल्ट वगैरह ले सकते हैं 40-50 रुपये में उस वर्ग में, और ये गले के पेंसिल वगैरह के लिए ले सकते हैं। और ये यहाँ का सीन है, स्कूल के पास आगे का सीन है, ठीक है। और ये यहाँ पे भिंडी भाई इतने सारे दिख रहे हैं ना, सब हरा सब ये सब खेत के होते हैं बिल्कुल हरा हरा, इसमें कोई जो नहीं है, वही सब टी शर्ट वगैरह होती हैं। और यहाँ पे सब जो है खेत में लगाने वाले सब लात लत्ती होता है, जो आप लगाइए अभी तो बाद में आप फल उसका फायदा, कद्दू का और बैंगन होता है, मिर्ची होता है, और ये
गोभी पत्तगोभी, यहाँ पर देखिए पेड़ पौधा का अमरूद का पेड़ हो गया, तीन तरह के फूल पत्ती होता है ना, जैसे कि अनार हो गया और बहुत तरह के यहाँ पे मतलब सन्नी हो गया, बहुत तरह के मतलब कि बीताइए चूहे बांधने वाला, ठीक है, चूहे का दवा देने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे लठ होता है, लठ लेकिन यादव जी का लाठी, हमारा यादव जी का लाठी यही है देखिए, और ये काफ़ी मतलब कि सस्ते में दे देता है, 20-50 रुपये में देता है, काफ़ी मजबूत होता है यादव जी का लाठी, ठीक है। एक लाठी बजरेगा ना सब पीठ पे तो कोई समझ में आ जाता है किसी को, भाई यादव जी का लाठी है क्या गलत, काफ़ी यही भी मिलता है, काफ़ी फेमस लाठी यहाँ का। और ये सब्जी भाजी तो सब्जी वब्जी यार मैंने किया, इसमें कमी नहीं होता, आपको इतना सब्जी मिलेगा, इतना सब्जी मिलेगा यहाँ भेजने के लिए। और ये मसाले वाले गली में घुस गया हूँ, यहाँ पे आपको बहुत तरह के मसाले किचन से लेकर जितने सारे मसाले होता है ना, हर इसी गली में मिलता है। ये है ये पार्क है, यहाँ पे बर्गर का, यहाँ पे अगर आप बकरी का सेल होता है ना उसी में, और यहाँ पे आपका किचन के सामान में जैसे लोही हो गया, डब्बू हो गया, छन्नी हो गया, ये सब सामान यहाँ पे बिकता है। और ये ऐसे पेड़ है पीपल का, पता नहीं कैसे कर मतलब बहुत से यहाँ पीपल का ही लग रहा है, ठीक है। और उसके नीचे देखिए बड़ा डबरी ये सब होता है, मतलब कि घर की बोल भी सामान होता है, ठीक है, तो खाची बोलते हैं और ये दौरा डबरी बोलते हैं। और इधर से पट्टू का सेल है, मतलब कि पट्टू का नहीं बोलते हैं, बकरा बकरी का सेल है यहाँ पे, मतलब 2000 की सस्ताती है, आप 3000-5000 रुपये का आगे मंडी। और ये मछली मंडी खुल गए, इसमें मछली मिलेगा आपको 100 रुपये किलो से लेकर के आपको 200 रुपये किलो तक मिलेगा, अच्छा अच्छा मछली मिलता है, वहीं पर घूम जाइए और वहीं पर आराम से खाइए, बहुत ही मज़ा आएगा। उसके बाद में आ गया नमकीन मार्केट, तो उसमें यहाँ पर आपको जलेबी मिलेगा, गर्मा गर्म समोसे वगैरह, वो गत्ते वगैरह के जिले गर्म गर्मा गर्म सामा रहा है, और ये मुँह में पानी आ जाता है, ठीक है। ये गर्म गर्म जलेबी है और ये समोसे है, ये पत्ती लोही सब खरीद दिया मैंने, जैसे नमकीन वगैरह। और यहाँ पे गोलगप्पे बहुत ही फेमस है, चाट चाउमीन बर्गर वगैरह यहाँ पे बेचता है साइड में, और ये गोलगप्पे का इसका भी बेचारा का फेमस बहुत अच्छा है, इसका खाइएगा तो और मज़ा आएगा, ठीक है। अब इधर देखिए सब्ज़ी वगैरह है, और इसके आगे मैं ले चलता हूँ आपको, और ये पूरा सीन है रोड पे जब चढ़िएगा ना तो पूरा सीन दिखेगा इस तरह का। और ये मैं ले आ रहा हूँ कपड़े मार्केट, इसका कोने पे ये है जलेबी वाला, तो कपड़े का मार्केट में आपको मंगला हाट में ले आ रहा हूँ, ये देखिए उसका स्टार्टिंग है, मैं घुस गया हूँ अंदर, और ये देखिए पूरा एकदम सीन इस तरह का दिखेगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। कपड़े का इसमें हर तरह का बच्चे का बच्चे मतलब बचपन से लेकर 55 तक मिलता है यहाँ पे, इसमें लेडीज़ से लेकर जेंट्स तक हर चीज़ जो ढूंढिएगा आपको सब वही मिला, ठीक है। बूढ़े के लिए भी धोती वगैरह कुर्ता वगैरह। मैं पूरा बाज़ार आपको मंगला हाट जो है विजिट करवा दिया, तो आज की ब्लॉग जो है यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फैमिली में, आपको अगली वीडियो तक लिए, बाय बाय, टेक केयर।